क्या नाम है आपका? मालती देवी। क्या समस्या लेकर आई यहाँ पे? जी बच्चे नहीं है हमारे, इसीलिए आए। कितने साल हुआ शादी को आपको? शादी का हो गए 10-11 साल। 10-11 साल से बच्चे नहीं? दवाई इलाज आपने करवाया? जी। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, नहीं हुए बच्चे। भरोसा है दादाजी पर? अब आई हूँ, देखो क्या होता है। अच्छा, और किसी दादा के बाबा के पास आप गई हो? हाँ गए थे दो एक बाबा के पास। नहीं, उनके ऊपर भी रहा होगा भरोसा? नहीं हुआ कुछ ऐसा? सही नहीं हुआ था। भरोसा करती है कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी हो सकता है ऐसा कुछ, आपको भरोसा है? जी जी भरोसा है, अब देखो क्या होता है। दादाजी कहते हैं प्रसाद खाइए और परिक्रमा करिए, बच्चा हो जाएगा। जी भरोसा है इन चीज़ों पर कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी। दवा दुआ आप सब कुछ करवा चुके, कुछ नहीं हुआ? जी। अभी दादाजी पर भरोसा कर रही है? जी। माता जी आप पहली बार आई हैं? जी। क्या समस्या आपको? हमें कोई समस्या नहीं, हम तो ऐसे देखने आए हैं इनके साथ। दादाजी को देखने आई हैं? हाँ। आप माता जी? मरीज के मैं तो लेके आया हूँ, ये बच्चे नहीं है उस, हाँ नहीं के साथ, हाँ लेकर आए हैं। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं सारी चीज़ें करके, तो प्रसाद खाने से बच्चा हो सकता है किसी के? तो आपको ही पता होगा बच्चा कैसे पैदा होता है। नहीं तो अपन जैसे आत्मा करते हैं कि नहीं वहाँ पर बाबा आए हैं, उसको चल के पूछे जाएंगे, देखे जाएंगे, मन कुछ कहेंगे तो अपना उस भरोसा रखेंगे। भरोसा रख लेंगे आप? आपको भी पता ना कि बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा ना तो प्रसाद खाने से हो जाएगा ना पंचकर्मा करने से, भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि? नहीं भरोसा नहीं कर आए हैं? हाँ भरोसा की वजह से आदमी अपन आए के अपन देखत बाणा कि मनो कि बाबा वहाँ आयल बाणा, चला हो सका काजे नहीं हुई जन से अपन रक्षा हो जा, तो अब बाबा का भरोसा बा, भगवान का भरोसा बा। देखिए तमाम लोग समस्याएं लेकर आए हैं, अब और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि मैंने तमाम लोगों से बातचीत कर लिया। दादी बाबा जी को देखने आप आई हैं, कुछ समस्या मुस्या लेकर आई हैं? अच्छा, आपको सुनाई नहीं देता? अच्छा 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 अच्छा। आप दादी पहली बार आई हैं आप? नहीं दादा मन जा दिन से आवत हैं जा, हम मन के बहुत सुख शांति हो गए। अच्छा यहाँ आने से? हाँ यहाँ आने से। दादाजी तपस्या ये आगी में जरते हैं, हाँ अब बहुत हम लोग के कष्ट रहला, अब कष्ट दूर होगा। अच्छा यहाँ आने से? यहाँ आने से। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा दादी कहाँ से आई हैं? बागीपुर से। पहली बार आई हैं? नहीं मन का आज 6 दिन रिकट कर रही हैं। रोज आती हैं? हाँ रोज आते हैं। लोग बता रहे हैं कि भैया सुकून है, शांति है, सही? बहुत शांति है बाबा भैया। हाँ सब सही हो गए दिया। अच्छा, मन का हाँ सब ठीक, हाँ सब ठीक हो जाते हैं। बच्चा ना रहा था वो था पूरा होता था, हाँ फरका रहा था वो सही हो जाता, मिर्गी आवत है वो सही हो जाता। कैसन भीख? कहाँ है कहाँ? हाँ खाली 5 गो गोईठा मांगत हैं जा, आ जेकर सफर जाता वो 4 गो अच्छत डालत है, 9 बागीपुर से मन का 9 लेडीज भीख मांगत हैं जा गाँव में गाँव में। हाँ गोईठा, सिर्फ गोईठा, हाँ सिर्फ गोईठा। हाँ अच्छत आ गोईठा यह हम अंक बाबा के सेवा में चल। आप लोग बाबा जी के सेवा? हाँ सेवा में है का, कि कैसा भी हो विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है, विश्वास करना चाहिए ना। हाँ तो वही विश्वास करके हम लोग चल रहे हैं, अब बाबा का अब तपस्या जाने और हमारा कर्तव्य जाने। हम आप कहाँ से आई हैं? मनिहारी से। आप कोई समस्या लेकर आई हैं? समस्या है कि चेहरे पे दाना दाना हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, दवा से भी नहीं अच्छा हो रहा, अब आराम है। कब से आप आ रही हैं? हमको 3 दिन हो गया आज। 3 दिन में आराम हुआ आपको? जी। आपके फेस पर हो रहा था? हाँ वो सही नहीं हो रहा था, दवा बहुत ज़्यादा दिन से कर रहे थे। फिर यहाँ पर क्या किए दादाजी, ऐसा कुछ कि ठीक होने लगा? हाँ दादाजी बोले कि परिक्रमा करिए 5 दिन, उसके बाद हम कुछ बताएंगे, देंगे कुछ आपको। हाँ पढ़ाई लिखाई कितना किया आपने? पढ़ाई BTC कर रहे हैं जी। सारी चीज़ों पर यकीन करती हैं? हाँ सर विश्वास है, बहुत मायने रखता है। हाँ बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यही बस है।
अंधविश्वास का दौर है, पहले से चला आ रहा है और अभी भी है। लोग अंधविश्वास के चक्कर में क्या कुछ कर जाते हैं, आपको भी पता, तमाम महिलाओं के साथ कुछ घटना भी हो जाता है। लोग अभी भी यहाँ पर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि बच्चे भी लोग पैदा हो जाएगा प्रसाद खाने से। इन चीज़ पर आप यकीन करती हैं, बच्चे पैदा हो सकते हैं प्रसाद खाने से? अब आप बताइए। यकीनन आप तो सब लोग बोल रहे हैं, तो यकीन तो करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझिए, यकीन है हुआ है तो ऐसे भाई सब लोग कह रहे हैं। आपको लग रहा है कैसा कुछ हो सकता है? अब हम तो सबके बात, आप बताइए, आप विज्ञान को मानती हैं फिर इस तरीके के लोगों को, जैसे कि अब कुछ तो शक्ति है, ऐसा तो नहीं है कि बिना शक्ति का कुछ हो सकता है। कुछ तो है जो यकीन कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें खासकर महिलाओं में क्यों देखी जाती है, पुरुषों में थोड़ा सा कम देखा जाता है ये चीज़ें, इन चीज़ों पर यकीन कर पाना, इसके बारे में थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप BTC कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। महिलाओं ज़्यादा महिलाएँ यकीन कर लेती हैं इन चीज़ों पर तुरंत। अब यही तो बताएं कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास के ही थ्रू वो हो रहा है ऐसा, यही हम बता सकते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं? दीदी आप कहाँ से आई हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम यहीं से हैं भैया, मोहब्बतपुर से। अच्छा, आपका कितनी बार आई हैं? हम 5-4 रोज से आ रहे हैं। 4 रोज से जी। अच्छा, आपको क्या समस्या? बच्चे के लिए हम भी आए हैं। अच्छा, आपके हैं कि नहीं है? बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ हैं। अच्छा, आप बेटे के लिए आई हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए? जी जी। अच्छा, भरोसा है दादाजी प्रसाद देंगे तो ऐसा कुछ होगा? हाँ, मतलब कई लोगों को हुआ है तो उन्होंने बोला, तो विश्वास बड़ी चीज़ है, इसीलिए हमने भी सोचा एक बार विश्वास करने में क्या जाता है, इसीलिए। चलिए, तमाम लोग थे, उन लोगों से हमने बातचीत की, तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ओमकार राजभर। आप भी कुछ समस्या को लेकर आए हैं? पहली बार हम आए हैं देखने के लिए, सब बोल रहे हैं कि बाबा हैं। आपको कोई समस्या है? नहीं, मेरे नहीं है, मेरे भाभी को है समस्या। क्या समस्या आपके भाभी को? बाल बच्चा नहीं होता उनको। बाल बच्चे के लिए आप आए, भाभी जी आए? नहीं, वो आएंगे, कल आएंगे वो। अच्छा अच्छा। कितने दिन हो गया शादी के आपके भाभी जी को, भैया के? 8 साल हो गया। 8 साल हो गया? 8 साल हो गया। 10 साल 10 साल हो गया। अभी आप बच्चे नहीं? अभी नहीं। दवा वगैरह, माता जी आपकी बहू हैं वो, दवा वगैरह आप कराई? हाँ भैया, दवा कुल करौली, कहीं माने गए लो रहना है लोगन, राजस्थान लेके गल ना, देखौना उखौना भैया, कहीं से समस्या ना कौन भाई। डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ, डॉक्टर बताते होंगे कि कुछ समस्या है कि नहीं है? डॉक्टर कुछ समस्या वमस्या ना कहना कि सब कुछ ठीक है, दोनों प्राणी सही है। बाकी अब हम लोग भगवान नहीं हैं कि माने पेट में डाल देंगे बच्चा, जब भगवान देंगे तभी तो दर दवा सब कुछ भी किए भैया। बस एक बालक बिना अनाथ हैं तो आए लनाइन, 2 महीना लेके अपन राजस्थान ले, जे जहाँ बताए थे कि तहाँ माने दवाई खातिर। दादाजी पर भरोसा है आपको? हाँ, प्रसाद प्रसाद खिला कर कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होगा, हो सकता है? नहीं भैया, दवाई उवाई कुल कैले ला, कोनो ऐसा बात ना कि नहीं ना कैले, सब कुछ कैली, दर दवाई जहाँ ले मन के केहू बता दे तहाँ चल जाल जाई, लेकिन तो भैया जब ना हो बात हम कौन बताएं, तब मन सुननी है जाइए बहनी कहल फोन करके, तो हम कहिए तो लेके आओ, तो लिए तो कहिए मम्मी जा तू देख के आवा, तब हम बहने हमके ले चलिया, तो हम कहिए चला ठीक है, तो वही अलिए भैया। बस एगो बालक बिना अनाथ बाणी, सत जनते न बस सब कुछ रह के का करी कि जब अपन गोदी अनार रही थे, तब यही खातिर लेके अपन जाए ला आए ला ना के सुना ला भैया, तो का करें। भाई साहब, यकीन करते हैं आप ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? हो सकता है, भगवान का मर्जी है तो हो ही जाएगा। हमारन का तो वो जन पोखरा पर आना तब वो आवत रह जाए, यहाँ अलना तब वो आवत है जब भैया, तो कुल ठीक है करत माना बाबा। बाबा तो कहते हैं बच्चा उच्चा भी पैदा हो जाएगा। हाँ, कह 5-7 दिन में थोड़े ना हो जाइए, कि अपने टाइम से होगी 5-7 दिन में हो जाए। हाँ, नहीं सही, कुछ तो विश्वास ढेर है आदमी के। हाँ।